नमस्कार, कैमरामैन नवेंदु कुमार मिश्रा के साथ मैं सच्चिदानंद मिश्रा। इस वक्त मैं बोकारो जिले के टेम्पू कोर्ट एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ पर उप डाकघर बनाया गया है। अक्सर यहाँ पर इस डाकघर में शिकायतें मिलती रहती हैं कि कभी स्पीड पोस्ट नहीं होता है, तो कभी कुछ डाक टिकट के अभाव होते हैं। उपेक्षा के दृष्टि से इस पोस्ट ऑफिस को आरंभ से ही देखा जा रहा है। 20 दिन हो गए और अब तक स्पीड पोस्ट नहीं हुआ है, और अभी भी कब होगा? आश्वासन तो मिल गया है कि कल से चालू होने की संभावना है, लेकिन कब होगा ये कहना मुश्किल है। तो 20 दिनों से जब स्पीड पोस्ट बंद हो, खास करके उस इलाके का जहां डीसी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, कोर्ट एरिया है, मतलब 50 मीटर की दूरी पर सारे ऑफिस जो सरकारी होते हैं सब यहीं पर हैं। 50 मीटर के रेंज में हर हाल में हर ऑफिस यहीं पर मौजूद है, और तब ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर अगर पोस्ट ऑफिस की ये स्थिति होगी तो अगला पोस्ट ऑफिस यहां से जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो लोगों की परेशानी बढ़ती है। कैमरामैन नवेंदु कुमार मिश्रा के साथ सच्चिदानंद मिश्रा, एक्सप्रेस न्यूज भारत के लिए। बोकारो जिले के सारे ऑफिस एरिया में मौजूद हैं, चाहे डीसी ऑफिस अथवा एसपी ऑफिस, एसबीआई ऑफिस हो अथवा कोटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रांगण हो अथवा बैंक ऑफ इंडिया, सारे महत्वपूर्ण ऑफिस कैम्पटू में अवस्थित हैं। लेकिन वहां एक पोस्ट ऑफिस खास करके इन्हीं ऑफिस को देखते हुए बनाया गया, और इस पोस्ट ऑफिस का यह हाल है कि महीनों दिन बीत जाते हैं और एक स्पीड पोस्ट नहीं हो पाता है। स्पीड पोस्ट के लिए यहां के लोग हर हाल में 2 किलोमीटर का चक्कर लगाकर हेड पोस्ट ऑफिस जाते हैं। जब मैंने पोस्ट मास्टर से बात की तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस की इज्जत बताते हुए यह कह दिया कि 20 दिन पहले वज्रपात हुआ था जिसके कारण से यह सब डैमेज हो गया है और मैंने रिपोर्ट कर दी है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सब सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि 2 महीने पहले भी जब स्पीड पोस्ट के लिए गए थे वैसे ही बहाना बनाकर लौटा दिया गया था। जब यहां स्पीड पोस्ट के लिए लोग आते हैं तो मशीन खराब ही मिलती है। प्रस्तुत है सच्चिदानंद मिश्रा की यह रिपोर्ट। सर, आप तो इस पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज हैं, कितने दिन से स्पीड पोस्ट नहीं हो पा रही है? लगभग 20 दिनों से सर, हंड्रिंग के कारण यहाँ पर वज्रपात हुआ, उसके कारण मेरा मशीन, 3 प्रिंटर, राउटर, मॉडम सारा जल गया था। तो धीरे धीरे प्रोवाइड किया गया है, जैसे मशीन मेरा ठीक हो गया, 1 प्रिंटर मेरा जो पासबुक प्रिंट करते हैं वो वाला ठीक हो गया है ना। मेरा जो है जिसमें स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री बुक होता है, जिसका रसीद हम लोग निकालते हैं, ऑटोमेटिक प्रिंटर उसको बोलते हैं, वो अभी जो है सर धनबाद से कल होने के लिए है। ऑटोमेटिक प्रिंटर न भैया? हाँ, स्पीड पोस्ट कब से चालू हो जाएगा अंदाज? बस प्रिंटर आने से ही चालू हो जाएगा, ताकि रसीद चाहिए लोग। तो 20 दिन से यदि स्पीड पोस्ट नहीं हो, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है जी, यानी डीसी ऑफिस यहाँ, एसपी ऑफिस यहाँ, कलेक्ट्रिएट यहाँ जो है, बैंक है, कोर्ट एरिया है, एमबीआई ऑफिस है, यानी जितने बोकारो जिला के ऑफिस है सब यही है जी सर। और जाहिर है कि इस पोस्ट ऑफिस का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है जी सर। और तब ऐसे में 20 दिन अगर स्पीड पोस्ट ना हो, ठप हो जाए, तो इसको क्या कहा जाए? कब तक संभावना है? ये पता आज बात हुई है सर हमारी, कल प्रिंटर आ जाएगा। कल प्रिंटर आ जाएगा, ठीक है सर, मैं कल भी आऊँगा और देखूँगा इस चीज़ को। अगर कल हो जाता है ठीक है, अन्यथा मुझे भैया अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस के जो होते हैं यहाँ से लेके रांची तक मैं बात करूंगा, हमारे रिपोर्टर जाएंगे सर। नहीं, अभी मैंने डिविजनल ऑफिस धनबाद से बात की है ना जी, तो उन्होंने कहा कि प्रिंटर जो है आज डाक गाड़ी से उसको भिजवा दिया जा रहा है, ठीक है, तो कल हो सकता है कि चालू हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एक्सप्रेस न्यूज के लिए समय देने के लिए।